आज मिसिंग सीरीज, जितनी भी हमारी मिसिंग सीरीज है इसके अंदर मैंने बोला जैसे कि नंबर सीरीज आ जाएगा, लेटर सीरीज आ जाएगा, सिंबल सीरीज आ जाएगा, तो ये सारे हमारे यहाँ पे मिसिंग सीरीज के अंदर रहने वाला है। ठीक है ना, इंजॉइंग द सेशन, ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, हाँ जी बताइए, ग्रेट सेशन, ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए सेशन देखिए, सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, ऑलरेडी मुझे पता है आप काफी टाइम से आप पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और कम पढ़ेंगे, यानी कि 45 मिनट से ऊपर का यहाँ पे लेक्चर नहीं होने वाला है, तो एकदम से रेडी रहें कॉपी और पेन लेके, क्योंकि जब भी हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं सर, हमको कॉपी पेन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, कॉपी पेन की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जब भी मैं सीरीज का क्वेश्चन देता हूँ ना, जब भी मेरी क्लास होता है, तो मैं 30 से 45 सेकेंड में यहाँ पे स्टूडेंट्स को ही देता हूँ, क्या करता हूँ मैं, स्टूडेंट्स को ही देता हूँ। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका ध्यान अब स्क्रीन पे होना चाहिए, आपका ध्यान अब स्क्रीन पे होना चाहिए। देखिए जी, देखिए अगर मैं बात करता हूँ सीरीज, सीरीज की को अगर कैटेगराइजेशन की बात करता हूँ, तो तीन तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले नंबर सीरीज हो जाएगा हमारा, दूसरा हमारा लेटर सीरीज हो जाएगा, और सिंबल सीरीज हो जाएगा। ठीक है ना, अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं नंबर सीरीज की बात करता हूँ, तो जनरली क्या है, एक नंबर्स की सीरीज होगी, आपके दिमाग में ये आता है कि नंबर्स की सीरीज होगी, कोई ना कोई वहां पे लॉजिक लग रहा होगा, कोई ना कोई वहां पे एक हमारा लॉजिक लग रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल से बताते हैं, यहां पे देखिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे जरा देखिए सर, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे एक सीरीज हमको दिख रही है 3 5 7 9 11, यानी कि एक बहुत ही कॉमन सी सीरीज है जिसमें 2 2 का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, यानी कि 2 2 का जो डिफरेंस है यहां पे हमको देखने को मिल रहा है, यानी कि कॉमन जो डिफरेंस है सर, कॉमन जो डिफरेंस है पूरी सीरीज में कितना है, 2 2 2 का यहां पे डिफरेंस हमको देखने में मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए ये वाली सीरीज, इसमें देखिए ये हमारी डिक्रीजिंग सीरीज बन रही है, ये हमारी डिक्रीजिंग सीरीज बन रही है जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है, जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस है 3। ठीक है ना, अभी मैं टाइप ऑफ सीरीज बता रहा हूँ, किस टाइप की सीरीज आपको देखने को मिल सकती है, बताइए कमेंट सेक्शन में मुझको यहाँ पे किस किस को सीरीज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हम PYQs लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वही लेके आए हूँ, अपने मन से बना के नहीं लाया हूँ, बहुत ही आसान लगेंगे आपको, खुद आप कर लोगे। कमेंट सेक्शन में मुझको यहाँ पे बताइए किस किस को सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही आसान लगते हैं, बताइए जी। कमेंट सेक्शन में मुझको जल्दी से बता दीजिए, सीरीज के क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में कर लेते हैं तो मुझको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीरीज। सर देखिए 3 से 9 हो गया है, 9 से 27 हो गया है, 27 से 81 एंड 81 से 243 हो गया है। सर ये तो कुछ मल्टीप्लाई का रूल लगता है, सर ये तो कुछ मल्टीप्लाई का रूल लगता है। ओके अब जवाब आने शुरू हो गए सर, मी मी मी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ना, तो सीरीज के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड बहुत आसान चीज है, तो उसको छोड़िए मत, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है जनरल एप्टीट्यूड अपने 8th 9th 10th की क्लासेस में, तो करना क्या है आपको, आपको उसको ब्रश अप करना है, यानी कि उसको एक बार से फिर से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। हाँ नथिंग विद नंबर लुक्स इजी, देखिए नंबर इजी लगते हैं तो कर लोगे मान लिया, लेकिन यहाँ पे जो आपका लेवल है ना एग्जाम का लेवल हाई नहीं आता है, जनरल एप्टीट्यूड बहुत बेसिक लेवल की आती है, आप इजीली उसको कर लोगे। ठीक है ना, यस सर इजी, ओके ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे सर 200 से बन जा रहा है 20 से बन जा रहा है 2 और 2 से बन जा रहा है सर 0.2। सर ये तो देखते ही मुझको पता लग रहा है 10 10 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 10 10 से यहां पे डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना, नहीं लगता है अभी, इस सेशन के बाद आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है ना, इस सेशन के बाद आपको आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, 1 से 50 हो गया है, 50 से 540, 540 से 5440। सर ये थोड़ी डिफिकल्ट है,
ये थोड़ी डिफिकल्ट हमारी नंबर सीरीज है, लेकिन हम इस डिफिकल्ट सीरीज को भी कर लेंगे, ठीक है ना। इस सेशन के बाद इस डिफिकल्ट सीरीज को भी हम कर लेंगे। सर 1 से 50 बन गया है, कैसे बना है? बोला गया है इसमें पहले 4 को ऐड करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। इतना दिमाग मेरे पास नहीं है कि 10 उसमें 4 को ऐड करूं, 10 से मल्टीप्लाई करूं। ये दिमाग तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप खुद बता पाओगे, खुद आपको रियलाइज हो जाएगा सर इसमें तो ये कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 1 से 9, 9 से 33, 33 से 105। यानी कि इसमें सर पहले ऐड करना है 2 को, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 3 को। यानी कि देखिए सर, 1 में 2 को ऐड करिए तो सर ये बन जाएगा 3। अब सर मल्टीप्लाई की करिए इसको 3 से, यानी कि सर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 9, 3 3 या 9। 9 से 33 कैसे आया? सर 9 से 33 लाना है। अगेन वही रूल लगाइए, 9 में 2 को प्लस करिए 11 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, यानी कि 33, ठीक है ना। सब जो नेक्स्ट नंबर है हर एक नंबर में सेम लॉजिक लगेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह से। अब ये मुझको बताइए सर, प्राइम सीरीज जो हमको दिख रही है यहाँ पे देखिए, जो प्राइम सीरीज दिख रही है ना, ये वाली आपको, ये वाली जो प्राइम सीरीज दिख रही है, मुझको ये बताइए व्हाट आर प्राइम नंबर्स। कौन मुझको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएगा सर व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर की सीरीज बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। मुझको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, किसे किसे पता है, देखते हैं जरा आज किस किस ने बहुत मैथ्स पढ़ी है। बताइए व्हाट आर प्राइम नंबर्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और साथ में ये भी आंसर करिएगा कि सर नेक्स्ट यहाँ पे नंबर क्या आएगा 19 के बाद, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या आना चाहिए 19 के बाद। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बताइए जी व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाई इट सेल्फ, ओके। एंड पूरी सही से बताइए मुझे रहा, नॉन डिविजिबल बाई एनी नंबर। मुझे करेक्ट डेफिनेशन नहीं मिली अभी तक, हैव ओनली टू डिविजर। और बताइए सही से मुझको, ओके वेरी गुड। सुजाता जी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ, इसी आंसर को मैं ढूंढ रहा था, ठीक है। इसका करेक्ट सर डेफिनेशन क्या है, खुद से डिवाइड हो जाए, सॉरी सर 1 से डिवाइड हो जाए, खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, तो प्राइम नंबर की यही डेफिनेशन होती है, खुद से डिवाइड हो जाना चाहिए, साथ में 1 से डिवाइड हो जाना चाहिए। एक साइड में ब्रैकेट में ये लिखा होता है टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, ये भी रूल है, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, यानी कि इटसेल्फ 1 एंड 1, मतलब कि 2। अब कोई मुझको ये बताएगा, कोई दिमाग लगाएगा सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 तो खुद से डिवाइड हो जाता है और 1 से भी हो जाता है, सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, कौन बताएगा मुझे? डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट नंबर 23 बता रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। 19 के बाद अगर मैं बात करूं 20 की, 20 सर 2 से भी कट जाता है, 4 से भी, 5 से भी। 21 सर 7 से कट जाता है, 22 सर 2 से कट जाता है, 23 किसी से नहीं कटता है, केवल खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर किया है मैंने जो क्वेश्चन पूछा। सर प्लीज सेंड पीडीएफ ऑफ यस्टरडेज क्लास, ओके बता देंगे, बहुत से स्टूडेंट मांग रहे हैं, मिल जाएगी पीडीएफ, क्योंकि उसका कोई फैक्टर नहीं है जी। देखिए 1 इज ए स्पेशल नंबर, देखिए स्पेशल नंबर, एक केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है कि हम एक्सेप्शन ढूंढ रहे हैं। सर इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखिए मैं बताता हूं, मैंने बोला ना प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, और साइड में ये चीज भी लिखी होती है कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, वो भी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। तो एक खुद फैक्टर हो गया उसका, एक 1 फैक्टर हो गया उसका, तो 2 फैक्टर्स हो गए। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं सर, 1 को मैं बोलूं खुद से डिवाइड हो जाता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है, दोनों बात तो सेम ही है, वो तो एक ही से डिवाइड सर। इसका मतलब 1 क्या है? प्राइम नंबर, इसीलिए नहीं है क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हमारे पास नहीं है। क्लियर है तो यहाँ पे छाप दीजिए सर, क्रिस्टल क्लियर, ये सीसी लिखवाता हूं मैं अगर क्लियर होता है तो, नहीं तो एनसीसी, नॉट क्रिस्टल क्लियर। अच्छा जी नेक्स्ट नंबर आप बताने लगे, बहुत ही बढ़िया,
अभी देखते हैं उसको भी। पहले मुझको ये बताइए पहले कि क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए सीसी और एनसीसी, यानी कि नॉट क्रिस्टल क्लियर। डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, करेक्ट, वही मैं कह रहा हूँ। वन इसलिए प्राइम नहीं क्योंकि उसे डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं है, दो खुद ही तो फैक्टर है, चाहे मैं बोल दूं वन खुद का फैक्टर है या खुद से डिवाइड हो जा रहा है, बात तो दोनों एक ही है। क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। चलिए बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं नेक्स्ट नंबर बताने के लिए, तो बता दीजिए सर नेक्स्ट नंबर क्या है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ पे 47 आएगा सर, ये भी प्राइम नंबर की सीरीज है। 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, देन 43, देन 47। 44 नहीं होगा, 2 से डिवाइड हो जाता है। 45 नहीं होगा, 3 से हो जाता है, 9 से हो जाता है। 46 भी नहीं होगा, 2 से हो जाता है। 47 होगा, 47 किसी से डिवाइड नहीं होता अपने अलावा किसी से और 1 से, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 47। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। एक काम करते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब मजा आएगा। तो बताइए क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें, यस लिख दीजिए छाप के कमेंट सेक्शन में कि यस सर क्वेश्चन के लिए हम रेडी हैं एकदम। बताइए जी, यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, आप ये कहेंगे सर ये तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन है, बच्चों ऐसे मैंने नहीं बनाए हैं, वो मैंने नहीं बनाए हैं, प्रीवियस ईयर के लेके आया हूं मैं, ठीक है। हाँ जी 47 है उसका आंसर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रेडी फॉर द क्वेश्चन, नहीं समझ में आया सर क्या आपको, ये समझ में नहीं आया क्या? यस सर यस सर यस सर, ओके चलिए जी, ओके ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलिए जी, जैसा कि मैं 30 सेकेंड से 45 सेकेंड देता हूं ना, तो वही 45 सेकेंड चल रहे हैं आपके पास। मुझको इसका आंसर करिए, बहुत ही आसान सीरीज है बच्चों की तरह एकदम। इसके बाद कोई क्लास नहीं है, तभी मैंने कहा शॉर्ट क्लास रहेगी एकदम, 45 सेकेंड से ऊपर नहीं रहेगा, नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। टू द पॉइंट बात करेंगे केवल, बैक टू बैक क्वेश्चंस दूंगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, खत्म क्लास के बाद, ठीक है ना। चलिए जी बताइए मुझे इसका आंसर, मैं वेट कर रहा हूं आपका। टेल मी द राइट आंसर। फाइव सेवन कैसे, वो समझ नहीं आया। पिछले क्वेश्चन में हम प्राइम नंबर की सीरीज चला रहे थे। फाइव के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? सेवन होता है। सेवन के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? एट नहीं होता है, नाइन नहीं होगा, टेन नहीं होगा, इलेवन होगा। मतलब ऐसे नंबर्स की सीरीज चला रहे हैं जो क्या है, खुद से डिवाइड हो जाते हैं या वन से डिवाइड हो जाते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। आंसर आ रहा है थ्री आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 391। ओके जी बहुत ही बढ़िया, और स्टूडेंट्स आंसर करें जल्दी जल्दी मुझको बताएं, और नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताएं। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है चलिए, टाइम ओवर हो चुका है, अब स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। सीरीज है हमारे पास 1, 5, 14, 30, 55, ठीक है। तो एक बात का यहां पे ध्यान देना है सर, ये सीरीज है ना, सीरीज है, धीरे 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 बढ़ रही है, ये धीरे 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 बढ़ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस में ही छुपा होगा। लेकिन अगर सीरीज एकदम से ज्यादा 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 बढ़ेगी सर, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब मल्टीप्लाई होता है तभी तो चीजें एकदम से बढ़ती हैं, प्लस माइनस होता है तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ती हैं। तो सर सबसे पहले इसमें आप प्लस माइनस ढूंढिए, तो मुझको बताइए 1 और 5 के बीच में गैप कितना है सर? 4 है। 5 और 14 के बीच का गैप तो बच्चा भी बता देगा, 9 होगा। सर 14 और 30 के बीच का गैप 16 होगा, एंड 30 एंड 55 के बीच का गैप 25 होगा। ये नंबर देखने में सर कितना मजा आ जाता है, 4, 9, 16, 25। मेरा सर हाथ ही नहीं रोकता है इसको, मेरा हाथ ही नहीं रोकता है कि मैं इसको लिख दूं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ये तो सर देखने में कितने अच्छे लगते हैं कि मेरा मन कर जाता है
इसके मैं स्क्वायर लिख दूं, अब मैं किसी से पूछूंगा नहीं कि मैं आगे सिक्स का स्क्वायर लिख दूं, तो मैं खुद लिख दूंगा। इसका मतलब रूल कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का यहां पे क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। कहने का मतलब है नेक्स्ट नंबर विल बी 55 प्लस 36, दैट विल बी 91, दैट विल बी 91। बहुत ही बढ़िया, जिसने थर्ड आंसर किया है 91, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। किसी ने और भी कुछ आंसर किया है तो बताइए, बहुत आसान सीरीज थी। 36 कहां से आया आंसर, व्हाट इज 36 महिमा जी? ऑप्शन नंबर 3 है ना, क्रिस्टल क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मेरे क्वेश्चन करवाने की स्पीड आप पे ही डिपेंड करेगी, आप जितनी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे ना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतनी जल्दी जाएंगे। तो मुझको क्विकली रिस्पॉन्स करिए, इज इट क्रिस्टल क्लियर और नॉट, कितनी आसान सी क्वेश्चन था ना। तो एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने फिर से बता रहा हूं, अगर सीरीज धीरे 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 बढ़ती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस माइनस में ही छुपा है। अगर तेजी से बढ़ती है सर, वहां पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में छुपा होगा, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, 55 प्लस 36 दैट इज 91, करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत से हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और किसी को अगर दिक्कत होती है ना तो मुझे यहाँ पे बता दीजिए। स्क्वायर बताया वो आंसर पहले दिया था 91, ओके वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ओके अच्छी बात है। जितना आप लोगों ने मैथ्स का फोबिया कर रखा है ना, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। चलिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करिए 35 सेकंड्स के अंदर, 35 सेकंड्स के अंदर मुझे इसका आंसर करिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। बताइए जी, बच्चे बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं टाइम से पहले ही, लेकिन सही भी होना चाहिए, लेकिन आंसर सर सही भी होना चाहिए। जल्दी क्या, 35 सेकंड दे रहा हूं मैं, आराम से करिए, लेकिन सही आंसर दीजिए। यहाँ भी मिक्स आंसर आ रहे हैं, 4-3 के बीच में लड़ाई चल रही है, 4-3 के बीच में लड़ाई क्यों चल रही है? और बताइए ऑप्शन नंबर 4, 55, 54, क्यों इतना कंफ्यूजन है? चलिए देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है देखिए, बोला गया है, टाइम ओवर हो चुका है ऑलरेडी, तो अब स्क्रीन पे ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन इज 39, 42, 46, 50, नेक्स्ट नंबर इज व्हाट, 2013 का है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो सर 39 से 42 जाना है मुझे, डिफरेंस कितने का है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज ऑफ 3, 3 का डिफरेंस दिख रहा है हमको। 42 से 46 पे जाना है, 4 का डिफरेंस है, सर ये 3 है ये 4 है, नेक्स्ट 5 है क्या, देखिए जरा, नहीं सर 5 तो है नहीं, 5 होता तो मजा आ जाता, क्योंकि नेक्स्ट फिर 6 हो जाता, आसान सी सीरीज बन जाती, लेकिन सर ये क्या बन गया 3, 4, 4, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर, इसका जो टेंस डिजिट है ना वो कितना है, 3 है, तो सर ये भी 3 आ रहा है, इसका क्या है सर 4 है, तो तभी ये 4 है, इसका टेंस डिजिट 4 है, देन दिस इज ऑल्सो 4, इसका सर कितना है 5 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 50 प्लस 5 यानी कि 55। बोलिए, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग का खेल ही नहीं है यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 जिसने आंसर किया है एकदम करेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा 55, 55 जी, है क्लियर? बोलिए जी, क्लियर और नॉट, क्रिस्टल क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में सीसी, सीसी और एनसीसी, जल्दी जल्दी बोलिए, क्रिस्टल क्लियर और नॉट क्रिस्टल क्लियर, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।
ओके जी, बहुत सही, बढ़िया। बहुत से स्टूडेंट रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं। बिना कॉपी पेन के एप्टीट्यूड होता है कभी क्या? या तो आप इतने एक्सपर्ट हो उसमें कैलकुलेशन में कि आप ऐसे ही कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये इसी की बात कर रहा था मैं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करिए तभी नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। चलिए जी, इसका आंसर कौन करेगा मुझे? लेट्स सी इसका आंसर कौन करेगा सबसे पहले। एनसीसी को कोई रिप्लाई नहीं देते। अब बताइए जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझको बताइए। मैंने पिछले आपको बताया था ना, आप ही ने पूछा था शायद, प्राइम नंबर का 5, 7, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। प्राइम नंबर्स पता है ना क्या होता है? जो नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है या 1 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे लिख दीजिए, मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ। मैंने बताया था आपको, याद है मुझे? एक जी, चंचल जी कह रहे हैं प्लस फाइव क्यों? प्लस फाइव क्यों मतलब? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में प्लस फाइव क्यों? मैं बता देता हूँ, जो पूछ रहा है मैं बता देता हूँ जी। इसीलिए फाइव, देखिए मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ, इनका जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट कितना है? 3 है। इसका कितना है? 4। इसका कितना है? 4। तो बीच का गैप भी तो सेम ही है सबका। जो टेंस डिजिट है ना इस नंबर का, तो नेक्स्ट नंबर का गैप भी सेम है, यानी कि 3। इसका कितना है? 4। तो नेक्स्ट नंबर कितना है? 4। इसका कितना है सर? 4। तो ये भी 4। तो अगला जो डिजिट होगा इसका कितना गैप होगा कौन बताएगा? ये बताएगा 50 का टेंस डिजिट, यानी कि 5। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 50 प्लस 5। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? यहाँ पे क्या हुआ 39 प्लस 4, यहाँ पे क्या हुआ 42 प्लस 4, यहाँ पे क्या हुआ 46 प्लस 4, यहाँ पे क्या होगा 50 प्लस 5। खत्म बात, ठीक है ना, ये चीज है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, बहुत से स्टूडेंट्स का आंसर दे रहे हैं 57, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं 57। अब समझ में आ गया ना? बताइए जी चंचल जी, इस लॉजिक से तो सर 53 भी आ सकता है। 53 कैसे आ जाएगा बताइए मुझे, लॉजिक बताइए मुझे, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, बताइए कैसे आएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। 57। चलिए, इस क्वेश्चन को करने का टाइम आ चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन बोला गया है 24, 30, 33, 39, 51, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। बोला गया है 24 से 30 जा रहा है सर, ये सीरीज थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा जब सीरीज बढ़ती है इसका मतलब प्लस माइनस में ही कुछ ना कुछ छुपा है। तो 24 से 30 जाने के लिए मुझको 6 का जंप लेना पड़ेगा, 30 से 33 जाएंगे तो 3 का, 33 से जाएंगे तो सर 6 का, 39 से 51 जाएंगे तो 12 का जंप लेना पड़ेगा। सर ये देखने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, 5 ऐड कर देंगे, बहुत सिंपल लॉजिक था पिछले क्वेश्चन का, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, विद लॉजिक बता रहे हैं आप। देखिए सर, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज अगेन 6, दिस इज 12। सर 6 से आधा हो गया है 3, 3 का फिर डबल हो गया है 6, सिर्फ 6 का फिर डबल हो गया 12। कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। दूसरा लॉजिक सोचिए, क्या लॉजिक बन रहा है सर? यहाँ पे नंबर्स का सम कर दीजिए, यहाँ पे नंबर्स का सम कर दीजिए विद इन नंबर, यानी कि डिजिट्स का सम अगर मैं करूँगा, 2 और 4 कितना आएगा? 6 आ जाएगा। 30 को प्लस करिए अलग अलग, 3 को अलग, 0 को अलग, सर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 को प्लस करिए तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 9 और 3 को प्लस करिए तो कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 5 और 1 को प्लस करके, यानी कि 6 इसमें प्लस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। आप बोलोगे सिंपल तो नहीं है ये लॉजिक, सिंपल तो नहीं है, बिल्कुल लॉजिक तो लॉजिक है। आप क्या करो, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, तभी बोलता हूँ क्वेश्चन की जब वेराइटीज आपको पता होंगे, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तब आपको खुद पता लगेगा। तो इसकी जो PDF आएगी ना, तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार करिएगा, बाकी खुद से भी अपने हिसाब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या नंबर सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बहुत ही अच्छे होते हैं क्वेश्चन और बहुत ही इजीली आप इसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं। सम ऑफ बोथ डिजिट इज गैप ऑफ नेक्स्ट नंबर, करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, बताइए जी। अगेन 30 सेकंड्स का यहाँ पे मैं टाइम देता हूँ, आप इसको कर लेंगे। 12 का हाफ भी कर सकते हैं? नहीं जी, 12 का हाफ करके आंसर तो आ जाएगा लेकिन लॉजिक क्या लगेगा? लॉजिक तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा वहां पे। पहले क्या हो रहा था? वो पहले हो रहा था हमारा हाफ, फिर डबल हो रहा था, डबल का 4 टाइम्स होता तो समझ में आता, लेकिन वो डबल से तो फिर से डबल चला जा रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा था। एग्जाम में कैसे समझे सर ये कौन सी टेक्निक यूज करनी है? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तब समझ में आएगा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। जितने मैं करवा रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है वहां पे लॉजिक वैसा ही आ जाए, ठीक है ना, जरूरी नहीं। आप ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करेंगे ना तो अगर वहां डिफरेंट लॉजिक भी आ जाएगा तो आप उसको क्रैक कर लेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में है वो चीज। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो एग्जाम में लॉजिक आएगा वो आप कर ही ले उसको घर पे सॉल्व, तो आप प्रैक्टिस करिए। नॉट क्रिस्टल क्लियर, पिछला वाला क्वेश्चन बताइए। पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं, तब तक आप लोग इसका आंसर करिए। देखिए मैंने ये बोला था नॉट क्रिस्टल क्लियर, बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं, मैं बता देता हूं। देखिए मैंने ये बोला था कि जो नंबर्स का जो सम है, यानी कि देखिए 24 है ना, 24 में एक 2 है और एक सर 4 है, 2 और 4 को ऐड कर दीजिए कितना बना 6, तो नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा 24 में 6 को ऐड करके, तो 24 में मैंने 6 को ऐड कर दिया तो सर 30 आ गया। और नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा 30 को लीजिए, 30 का 3 लीजिए और 0 लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, 3 आ गया, तो 30 में 3 को प्लस किए तो नेक्स्ट नंबर विल बी 33। तो इस तरह से डिजिट का सम करके उसमें प्लस कर देना है तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। बताइए ये चीज क्लियर है जी? विक्रम जी एंड तानवी जी समझ में आ गया, हमें नंबर के डिजिट का सम करके उसी में ऐड कर देना है जिससे हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, ये लॉजिक चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर? अगर है क्लियर तो मुझको यहां पे बता दीजिए। बिल्कुल कुछ स्टूडेंट को सिंपल लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, सबके अलग अलग स्ट्रॉन्ग जोन्स होते हैं, ये तो बात क्लियर है ना, सबके अलग अलग स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं, किसी को सिंपल लगता है, कोई किसी दूसरी जगह स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, एक भी आंसर नहीं आया, एक आंसर आया सर विवेक जी कह रहे हैं 50 होगा सर, 50 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 है 50, ऑप्शन नंबर 3 है 50। सर क्वेश्चन में 6 क्यों ऐड किया लास्ट में? 6 वही तो मैं बता रहा हूँ जी, वही मैं बता रहा हूँ, 6 मैंने इसलिए ऐड किया, मैं क्या कर रहा हूँ नंबर्स की जो डिजिट है उनको प्लस कर दे रहा हूँ। तो 51 में क्या है 5 एंड 1, 5 और 1 को ऐड कर दिया 6, 51 में ऐड कर दिया 6 को, 57 आ गया आंसर। ऐसे तो मैं सब डिजिट के साथ कर रहा हूँ, सबके नंबर्स के डिजिट का सम कर रहा हूँ, उसी में जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ आंसर आने शुरू हो गए, 50 80 80 80 होगा सर। चलिए देखिए बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत जहाँ होती है ना वहीं नई चीज सीखने को मिलती है, तो देखिए जरा ध्यान से। सर इन 3 नंबरों को कुछ ऐसा करिए कि इन बीच वाला टर्म 90 बन जाए, इन 3 नंबरों को कुछ ऐसा करिए, ऐसा लॉजिक बनाइए कि ये 90 बन जाए। सर 7 5 3 को प्लस करूंगा तो 90 के तो आसपास भी नहीं आ रहा है, तो वो तो छोड़ दीजिए, क्या इनको मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा? सर 7 × 3 × 5 तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या ये 90 के आसपास आता है क्या? क्या ये 90 के आसपास आता है क्या? 15 7 जा सर 105 हो गया, लेकिन 90 तो पीछे निकल गया। सर 105 हो गया, 90 तो पीछे निकल गया, अब क्या करूं? अब कुछ और लॉजिक लगाइए। क्या सर मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब मैं क्या करूं? इन्हीं नंबर को मैं प्लस कर दूं, इन्हीं नंबर को अगर मैं प्लस कर दूं, क्योंकि मुझे 90 तक जाना है, 105 से 90 जाने के लिए मुझको यहाँ पे 15 माइनस करना पड़ेगा, मुझको कहीं से 15 उधार लेना पड़ेगा, कहाँ से लूंगा? उन्हीं नंबर से लूंगा, यानी कि 7 3 और 5 को प्लस करके ही उसमें से माइनस करना है, क्योंकि 7 3 और 5 को प्लस करके ही कितना आता है सर? ये 15 आता है, 15 बनता है, तो यही 15 मुझको इससे माइनस करना पड़ेगा तब ये 90 बनेगा। ये लॉजिक किसे किसे समझ में आ जाता है और किसे किसे नहीं आता है, सीसी और एनसीसी, बताइए जी। तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें, बहुत बढ़िया, तालियां, एकदम करेक्ट, बहुत ही बढ़िया,
अच्छा आंसर किया है। बताइए जी, क्लियर और नॉट क्रिस्टल क्लियर, मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए एक बार कि सर ये क्लियर है या नहीं है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं भी होगा। क्या कर रहे हैं हम, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और माइनस किससे कर रहे हैं, उन्हीं तीनों को सम से कर रहे हैं, उन्हीं तीनों के सम से माइनस कर दे रहे हैं। सेम लॉजिक अगर सेकंड वाले ट्रायंगल में लगेगा तो इसका मतलब यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। अगर सेकंड वाले ट्रायंगल में भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा तो अच्छी बात है। योगेश योगेंद्र बोल रहे हैं नहीं आया सर, मैं वाले ऑप्शन देख रहा हूँ जो कह रहे नहीं आया, इसलिए मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। लॉजिक क्या लग रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस करिए उन्हीं के सम से, यानी कि सर यानी कि 1 × 6 × 4, सर 1 × 6 × 4 कर दीजिए तो ये तो 24 आ गया, 24 आ गया, लेकिन ये तो 13 है तो मुझको क्या माइनस करना पड़ेगा, इन्हीं का सम यानी कि 6 + 4 + 1 यानी कि 11 हो गया, ये 11 माइनस कर दीजिए तो 13 आ गया, यानी कि बीच वाला नंबर आ गया। इसी के अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल है हमारा जिसका आंसर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, उसका आंसर अगर हम दें तो सर इसी रूल के अकॉर्डिंग 8 × 2 × 6 करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 12 × 8, ये हो जाएगा सर एक सेकेंड 96, ठीक है 96 हो जाएगा। माइनस क्या करेंगे, इन्हीं का सम, यानी कि 8 + 2 = 10 हो गया, 10 + 6 = 16, 16 माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब लॉजिक समझ में आ गया ना, अब आ गया, क्लियर हो गया, बोलिए क्रिस्टल क्लियर और नॉट, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे तो अगला क्वेश्चन दे दूंगा मैं। बोलिए जी, सबको मल्टीप्लाई करना है और माइनस क्या कर रहा है, उन्हीं का सम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 कॉर्नर डिजिट एंड एडिशन ऑफ 3 कॉर्नर डिजिट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसी को क्रैक करना है, बस इसी को क्रैक करना है, दिख रहा है ना स्क्रीन, ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। चलिए जी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप खुद ही आंसर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं करा रहा हूं सीरीज जिसमें हम नंबर सीरीज और लेटर सीरीज एंड सिंबल सीरीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका मुझको आंसर करिए 30 सेकंड्स के अंदर, 30 सेकंड्स के अंदर इसका मुझको आंसर करिए जी। मेरे बाद किसी का भी लेक्चर नहीं है, ये लास्ट है, तभी मैं कह रहा हूं अच्छे से कर लीजिए इसको, लास्ट है, उसके बाद आप रेस्ट करिए, आपने बहुत ज्यादा क्लास कर ली है बैक टू बैक, ठीक है ना, उसके बाद रेस्ट करिए, थोड़ा आराम भी जरूरी है, खाना पीना। ऑप्शन नंबर 3 बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं सर क्वेश्चन रखा नहीं आंसर पहले दे देते हैं, बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब प्रैक्टिस करके बैठे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि तुरंत आंसर तो करते हैं लेकिन गलत करते हैं जल्दीबाजी में। 80 बता रहे हैं, आप पिछले वाले का आंसर बता रहे हैं 80, सर एक बात ये है कि अगर हम जो लॉजिक लगाएंगे उसे एक आंसर जो क्वेश्चन में दिया है वो राइट आए, सही है ना सर, बिल्कुल। देखिए एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये चीज अच्छी उठाई है आपने, कि अगर कोई भी अगर मैं नंबर सीरीज का क्वेश्चन करता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है उसका एक से ज्यादा आंसर ना हो, बिल्कुल जरूरी है उसका एक से ज्यादा लॉजिक लग रहे हो, लेकिन कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो ऑप्शन चारों ऑप्शन में वो दोनों लॉजिक के आंसर हों, हमेशा ऐसा होगा कि वही एक ही लॉजिक का आंसर उसमें दे रखा होगा, तब वहां पे जाके लड़ना नहीं है सर इसका दूसरा लॉजिक भी लग रहा है, लग रहा होगा लेकिन ऑप्शंस में तो नहीं है ना, ऑप्शंस में जो दिख रहा है वही लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है ना, उस बात पे कॉन्फ्लिक्ट कोई लड़ाई नहीं होगी।
बता रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर की लाइन लग चुकी है यहाँ पे, कह रहे हैं थ्री। श्वेता जी कह रही टोटल 100। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, ये है मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन। ये देखिए, एक सर्किल, इसमें चार क्वाड्रेंट हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे कि 14 लिखा गया है, 36 लिखा गया है, 25 लिखा गया है, 25 लिखा गया है। मुझको कुछ समझ में नहीं आता सर, ऐसे नंबर्स तो बहुत ही अजीब लगते हैं, 14, 36, 25, 25, क्या लॉजिक लग रहा है? कुछ सम वाला, कुछ मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लग रहा होगा। तो सबसे पहला बेसिक क्या रूल है, जब कुछ समझ में ना आए प्लस कर दीजिए, प्लस से नहीं आता है तो कुछ और सोचेंगे फिर। सबसे पहला लॉजिक है सर, प्लस कर दीजिए। 25 प्लस 25 क्या होता है सर? 50। एंड 14 एंड 36 अगेन 50, यानी कि 50 प्लस 50 सर 100। सर ये तो 100 हो गया, ठीक है। यहाँ भी जरा प्लस करके देखिए, क्या कुछ 50 100 बन रहा है क्या? 50 और 20 ये तो 70 हो गया, 20 और 10 30 हो गया। सर ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि सारे जो क्वाड्रेंट हैं, सारे जो क्वाड्रेंट हैं उनका सम कितना बन रहा है? 100 बन रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना है, कुछ समझ में ना आए सम कर दीजिए, सम से नहीं आएगा कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा, उससे नहीं आया तो मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से चलते हैं। करेक्ट, 100 बन रहा है तो सर इसको भी 100 बना दीजिए, ऑलरेडी 36 है एंड 54 है, 36 एंड 54 है तो सर कितना हो जाएगा ये? 90, ये हो गया 90 और ये है 7, यानी कि टोटल 97। कितना और प्लस कर दूं कि 100 बन जाए? कितना और प्लस कर दूं कि सर 100 बन जाए? बच्चा बच्चा बता देगा सर, इसमें 3 प्लस कर दीजिए, इसमें 3 प्लस कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रांशु सर चले गए, बहुत लेट हो चुका है, प्रांशु सर चले गए अपनी क्लास लेके। 4 ऑप्शन इज राइट, यानी कि 3, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है तो छाप दीजिए, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। बताइए, अगर क्रिस्टल क्लियर है तो छाप दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूंगा मैं। बोलिए, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी, क्रिस्टल क्लियर हो गया। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, अब जल्दी जल्दी से मुझको आंसर कर दीजिए और चले जाइए सोने, जो करना है करिए, अब बहुत पढ़ चुके हैं आप आज। ये हो गई हमारी नंबर एंड लेटर सीरीज, नंबर और लेटर सीरीज का मिक्सचर है ये, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, दूर से देखेंगे तो सब चीज कठिन लगेगी या आसान लगेगी, जैसी भी लगेगी, आप जब तक उसके पास नहीं जाएंगे तब तक असलियत पता नहीं लगेगी। तो जल्दी से मुझको इसका आंसर कर दीजिए, बहुत ही आसान है, एक एक चीज को देखेंगे ना आप कहेंगे तो बच्चों ऐसा खेल है, इतनी हार्ड मैथ नहीं आती है। अच्छा आंसर आ गया, बहुत से स्टूडेंट्स का कह रहे हैं 2, ऑप्शन नंबर 2 बता रहे हैं। वन भी आ रहा आंसर, C4। अच्छा जी चलिए, अब देखिए, अब ध्यान से देख लीजिए, अब नजरें यहां देखिए, बहुत बढ़िया, अल्फाबेट डिसेंडिंग नंबर इंक्रीजिंग विद इनटू 2, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, यही लॉजिक लगेगा सर। सबसे पहले अल्फाबेट पे आ जाइए, सबसे पहले अल्फाबेट पे आ जाइए, अल्फाबेट क्या बता रहा है हमको? सर एफ से क्या है पता नहीं, सर यहां तो सीधे डायरेक्टली हमसे पूछ रहा है, इससे तो हम कर नहीं सकते, काम करते पीछे से स्टार्ट करते हैं। सर पहले है ए, ए के बाद आ गया बी,
बी के बाद आ गया सी, सी के बाद आ गया डी। सर ये तो बच्चों की तरह एबीसीडी पढ़वा रहा है हमसे, ये तो बच्चों की तरह एबीसीडी पढ़वा रहा है, तो यहाँ पे ई आएगा क्योंकि नेक्स्ट क्या है एफ। ये तो हमें समझ में आ गया सर, ई एक ऑप्शन में आ रहा है केवल, ई एक ऑप्शन में आ रहा है केवल, दूसरा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ई वाला एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर एग्जाम में ई वाले दो ऑप्शन होंगे तो सेकंड सेकंड वाले लॉजिक पे आ जाएंगे। देखिए सर यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, बोला गया 8 के बाद हो गया 16, 8 से चला गया 16, यानी कि डबल हो गया है, यानी कि डबल हो गया है 16 का, डबल हो गया 32, और 32 का डबल हो गया है 64, यानी कि डबलिंग चल रही है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 4 का डबल सर 8 हो जाएगा, बिल्कुल लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो E4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो सबने किया है, सबने किया है, ये वाला क्वेश्चन इजी है, देखिए 2016 का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ठीक है ना, अभी कह रहा हूं, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए इसको। महिमा जी कह रही सर स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो रहा है क्या? देखिए 16 का स्क्वायर तो हम समझ सकते हैं, 4 का स्क्वायर हो रहा है, 64 8 का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन 32 किसका स्क्वायर हो रहा है, 2 किसका स्क्वायर है, नहीं डबलिंग चल रही है, स्क्वायरिंग नहीं चल रही है। डिस्टेंस क्लियर है तो छाप दीजिए। तो नेक्स्ट नंबर, मेरा नाम है दिनेश, दिनेश सिंह मेरा नाम है, बहुत स्टूडेंट पहले ही पूछ रहे थे सर की क्लास में, डबलिंग सीरीज है स्क्वायरिंग नहीं है, स्क्वायरिंग 16 का हो सकता है, 64 का, 32 का थोड़ी हो जाएगा, ठीक है क्रिस्टल क्लियर है। ओके जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई साहब, बताइए जी इसका आंसर मुझे, सेट में रहेगा नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए कहीं भी चले जाइए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग सेम रहती है, क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। बच्चे ये पूछ लगते सर इसमें ऐसा आएगा क्या, इसमें ऐसा आएगा क्या, क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा, तरीके अलग हो सकते हैं सब अलग अलग जगह के, लेकिन सब एग्जाम के तरीके अपने अपने खुद होते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इस क्वेश्चन का मुझे सर जी आंसर करिए जी, लेट्स सी सबसे पहले कौन इसका आंसर करेगा। थ्री, ऑप्शन नंबर थ्री क्या है, ओ है, थ्री बहुत से आंसर आ रहे हैं, एम बी आ रहा है, एम बी आ रहा है, एन बी आ रहा है, बिल्कुल सारे ऑप्शन ही छाप दिए हैं चारों के चारों, और ऑप्शन नंबर फोर मेरे नाम का कर लीजिए, ऑप्शन नंबर फोर मेरे नाम का कर लीजिए पी, ठीक है चारों में से कोई ना कोई तो सही होगा ना, कैसा लॉजिक लगा रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी खुद बोलेंगे आप ये क्यों गलत कर दिया मैंने। देखिए सर देखिए, अगर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा सी से बी, बी से ई, सर सी से मुझे एक बार पीछे जाना पड़ रहा है, बी बी के बाद फिर मैं आगे जा रहा हूँ ई, तो ये लॉजिक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक काम करता हूँ नीचे की तरफ जाता हूँ, सी से ई जाइए, सी से सॉरी एफ जाइए, सी डी ई एफ, यानी कि हमको यहाँ पे करना पड़ रहा है अल्फाबेट का +3, +3 करना पड़ रहा है, फिर मुझको जाना है यहाँ पे एफ से आई, जी एच आई, यानी कि +3, यानी कि +3 का गैप देखने को मिल रहा है हमको। अब आ रहे हैं बहुत से आंसर, थर्ड वाले ऑप्शन ओ को कह रहे हैं, एडिशन ऑफ पोजीशन एंड नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जी, तो देखिए इसी लॉजिक के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो बी से डी जा रहा है,
सी डी, यानी कि सर यहां तो प्लस टू हो रहा है, क्या ये प्लस टू है? डी के बाद ई एफ यानी कि प्लस टू, ओके। यहां पे बताइए ई के बाद एफ जी एच आई जे, यानी कि फाइव जंप कर रहा है, यहां पे जंपिंग हो रही है सर फाइव की, तो नेक्स्ट जो अल्फाबेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जे के एल एम एन ओ, यानी कि फाइव, यानी कि फाइव मतलब कि ओ, ओ हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री विल बी राइट आंसर ओ। बच्चों जैसे क्वेश्चन है एकदम, इसमें भी गलती कर रहे हो आप लोग, इसमें गलती नहीं करनी है, जो इतना सिंपल होता है ऐसा कहते हैं कि वो इतना ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। चलिए इस पे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, बहुत ही आसान था ये, इससे क्लियर हो गया एक बार लिख दीजिए जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, लिख दीजिए यहाँ पे छाप दीजिए क्रिस्टल क्लियर जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दूं। बताइए जी जल्दी 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 जल्दी, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल, जब आप खुद करोगे क्वेश्चन को तभी मजा आता है, मैं कितना भी पढ़ा दूं अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना तो किसी बच्चे को मजा नहीं आएगा, मजा तभी आता है जब खुद से समझ में आता है। क्रिस्टल क्लियर है, ओके। चलिए बताइए जी, ये ना ही अल्फाबेट का क्वेश्चन है ना ही नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सिंबॉलिक, सिंबल यूज करके यहाँ पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट फिगर क्या होगा, अगर हम क्या करें, अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, यानी कि नेक्स्ट जो पैटर्न है वो क्या फॉलो करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें, थोड़ा सा विजुलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। एक बार और बता दें पिछले वाले क्वेश्चन को, देखिए मैं बता देता हूँ ऐसी, तब तक आप लोग क्वेश्चन करिए, क्या है? अल्फाबेट में प्लस टू हो रहा है, यानी कि पहला अल्फाबेट उसके बाद नेक्स्ट दो छोड़ के सेकेंड अल्फाबेट, उसके बाद नेक्स्ट दो छोड़ के सेकेंड अल्फाबेट, और बीच वाले में क्या बन रहा था? प्लस थ्री, प्लस थ्री, लास्ट वाले में क्या बन रहा था? प्लस फाइव, यानी कि अल्फाबेट में प्लस हो रहा था, अल्फाबेट में प्लस हो रहा था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार वीडियो को पीछे करके देखना ना आप, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थ्री बता रहे हैं बच्चे, हाँ जी, दोनों सब्जेक्ट एप्टीट्यूड के अंदर दोनों चीज आ जाती है यहाँ पे, रीजनिंग एज वेल एज क्वांटिटी क्वांट्स या मैथ्स, ठीक है ना। थ्री 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 छाप दिया बच्चों ने, देखिए थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा देखना है इस फिगर में क्या बोला गया क्वेश्चन में, सर एक स्क्वायर दे रखा है, फिगर नंबर वन जो है इसमें एक यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, उसके चार पार्ट्स कर रखे हैं, और यहाँ पे पार्ट नंबर वन में एक यहाँ पे बॉल दिख रही है, एक हमको यहाँ पे बॉल दिख रही है, ओके सर ये तो दिख रहा है, नेक्स्ट में बताइए क्या हुआ चेंज, नेक्स्ट में क्या चेंज हुआ है सर? सेम स्क्वायर है लेकिन वो वाली बॉल कहाँ चली जाती है? वो वाली बॉल सर नीचे वाले कॉलम में चली जाती है, साथ में वो एक बॉल नहीं रहती है, साथ में वो सर दो बॉलें बन जाती हैं, कितनी बॉलें बन जाती हैं? दो बन जाती हैं। उसके बाद देखिए ये तो हो गया फिगर नंबर टू, ये कुछ कुछ पैटर्न हमें अच्छा लग रहा है, तो थर्ड वाले में तो और अच्छा लगने लगेगा, कहेंगे सर ये वाली चीज अब यहां शिफ्ट हो गई है, यानी कि ये क्या कर रही है सर? क्लॉक वाइज घूम रहा है सर, ये क्लॉक वाइज घूम रहा है और एक एक से बढ़ता जा रहा है, बॉलों की जो नंबर्स हैं वन वन से बढ़ती जा रही हैं, वन वन से बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। चलिए जी, तो बोला गया है सेकंड में दो बॉलें हो गई हैं, थर्ड वाले में क्या हुआ है? ये चीज आगे शिफ्ट हो गई है और दो की जगह तीन बॉलें हो गई, यानी कि एक बॉल बढ़ गई है, यानी कि सर एक बॉल यहां पे बढ़ गई है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ में क्या हो रहा है? फोर्थ में ये चीज ऊपर चली गई है और साथ में एक बॉल और बढ़ गई, यानी कि बॉल कितनी हो गई सर? फोर हो गई है, तो एक पूरा एक चक्कर हो गया है, पूरा एक राउंड हो चुका है, फिर से क्या करेगा? फिर से ये इधर चला गया, यानी कि ये वाली बॉल अब इधर जाएंगी, इस वाले क्वाड्रेंट में जाएंगी, तो सर चार बॉल तो हैं ही, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, यानी कि सर ऐसा कोई फिगर जो कि यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पांच बॉल दिखा रहा हो,
पांच बॉलें दिखा रहा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं बताइए जी। क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे अगर आपकी विजुलाइजेशन पावर बहुत तेज है तो। ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है, सारे क्वेश्चन ईजी है। मैंने कब कहा टफ है, बहुत आसान है। अपोजिट क्वाड्रेंट बाय इंक्रीज बॉल नंबर साउंड, ठीक है ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है सर। इसको बताइए, इसका आंसर मुझको करिए सेकंड्स के अंदर, इसमें कुछ पेन कॉपी की जरूरत नहीं है, बस देख के बता देना इसका आंसर क्या है। बोलिए जी क्या इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल एक नजर का आंसर है इसका, एक नजर में आप बता सकते हो सर। सी, देखिए सी और सीसी में कंफ्यूजन मत करिए, सीसी का मतलब क्रिस्टल क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर अगर सी बता रहे हैं तो केवल सी लिखिए, सीसी मत लिखिए, चालाकी मत करिए यहाँ पे, चालाकी आप यहाँ पे चलेगी नहीं कि सर हमने तो क्रिस्टल क्लियर बोला था, सी ऑप्शन नहीं बोला है, केवल सी इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, सीसी का मतलब क्रिस्टल क्लियर। ओके जी चलिए क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं सर थ्री, यानी कि सी मतलब कौन सा वाला, मतलब ये वाला कर रहे हैं। ओके आंसर एकदम सही है। पहले क्या हो रहा है सर, एक हमको यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है हमको, एक सेकंड अब आपको सही से दिखेगा सर, आपको एक यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, एक बॉल दिख रही है हमको यहाँ पे जो कि इस वाली साइड में है। अब ये वाली बॉल क्या हो रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, ये वाली बॉल क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि पहले इस वाली साइड पे थी, सेकंड वाले फिगर में ये वाली बॉल इस वाली साइड पे आ गई लेंथ वाली साइड पे, और तीसरे वाले फिगर में ये लोग ये सामने वाली साइड में चली गई, तो एक ही तो साइड बची हमारी, कौन सी सर, ये वाली साइड। तो ऐसी बॉल मतलब ऐसा फिगर जिसमें ये वाली बॉल इस वाली साइड पे दिख रही हो सर, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो फिगर सेम ही है सर, ये वाला ही तो ऑप्शन होगा, इस वाली साइड की बात कर रहा था मैं, इस वाली साइड में ये वाली बॉल दिख रही है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ठीक है ना, क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो कर रहा है बस, बच्चा बच्चा बता देगा कि सर ये तो क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं इसका आंसर कौन करता है सबसे पहले, इसका आंसर सबसे पहले कौन करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए जी इसका आंसर मुझको बताइए, साथ में लाइक का बटन भी दबा दीजिए, क्यों दबाइए, क्योंकि सर सेशन का एंड होने वाला है, लाइक बटन अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं दबाया है, जिसने दबा दिया है वो ना दबाए दोबारा, नहीं तो अनलाइक हो जाएगी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और लाइक का बटन दबा दीजिए, और शेयर तो आप क्या ही करेंगे, सेशन एंड हो रहा है, सेशन एंड हो जाएगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना कि ये पढ़ के आया हूं मैं, इतने क्वेश्चन कर चुका हूं मैं। बिल्कुल ओके आंसर आ रहे हैं, फोर आ रहा है, थ्री आ रहा है, थ्री आ रहा है, थर्टीन एंड ट्वेंटी वन सर, थर्टीन एंड ट्वेंटी, थर्टीन एंड ट्वेंटी वन ऑप्शन नंबर थ्री। अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन है, इसको सब सही करना, इसको सब सही करना। लास्ट 10 सेकेंड्स आपके पास, जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए मुझको, जल्दी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए सर, बोलिए क्या इसका आंसर होगा। थ्री 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 थ्री, टाइम ओवर,
टाइम अप हो चुका है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, मुझको यहाँ पे दो नंबर्स पूछे गए हैं, क्या यहाँ पे मिसिंग नंबर है। अकॉर्डिंग टू द फिगर सर यहाँ पे एक बॉल पड़ी है, यहाँ पे भी एक बॉल है, लेकिन सर यहाँ पे दो बॉल हैं, यहाँ पे दो बॉल हैं, तो बस मैं बॉलों का नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे कितने हैं, थ्री बॉल्स हैं, यहाँ पे सर फाइव, एंड यहाँ पे फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट, तो यहाँ पे कितनी बॉल्स होंगी और यहाँ पे कितनी बॉल्स होंगी, क्वेश्चन बस इतना सा है। तो क्यों ना मैं इसको सीरीज की फॉर्म में लिख लूँ, वन वन टू थ्री फाइव एट, यहाँ पे कितनी बॉलें होंगी क्वेश्चन में ये पूछा, ठीक है ना सर। लॉजिक को समझते हैं, वन से वन हो गया है, वन से टू हो गया है, टू से थ्री हो गया है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस भी निकालने बैठूंगा ना सर, वन वन का डिफरेंस जीरो आएगा, वन टू का डिफरेंस वन आएगा, फिर टू थ्री का डिफरेंस वन आएगा, कुछ लॉजिक बनता हुआ दिख नहीं रहा सर, कुछ लॉजिक बनता हुआ दिख नहीं रहा है सबनम जी बोले सर फैबोनिकी सीरीज फैबोनिकी नंबर है, बहुत ही बढ़िया, तालियां आपके लिए, बहुत बढ़िया, फैबोनिकी नंबर है। क्या होता है फैबोनिकी नंबर सर मैं बता दूंगा क्या होता है, देखिए अगर कोई भी दो नंबर्स को मैं प्लस करता हूं तो मुझे अगर थर्ड नंबर मिलता है, यानी कि उसके आगे वाला नंबर मिलता है, उसको मैं बोलता हूं फैबोनिकी नंबर, यानी कि वन प्लस वन करूंगा तो टू मिलेगा, क्लियर है, और टू और वन को पिछले नंबर को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, थ्री और टू को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट फाइव मिलेगा, और फाइव और थ्री को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट एट मिलेगा, तो बताने की मुझको जरूरत ही नहीं है कि सर फाइव और एट को ऐड कर दीजिए तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, यानी कि एट और फाइव थर्टीन, तेरह थर्टीन, लेकिन सर ऑप्शन तो दो हैं तो नेक्स्ट नंबर निकालना पड़ेगा, एट एंड थर्टीन यानी कि प्लस कर दीजिए यानी कि ट्वेंटी वन, इक्कीस, यानी कि तेरह और इक्कीस, तेरह और सर कहाँ चला गया, इक्कीस, बहुत स्टूडेंट्स ने आंसर किया था ऑप्शन नंबर थ्री, थर्टीन एंड ट्वेंटी वन, फैबोनिकी की सीरीज है, ठीक है ना, यानी कि दो नंबर्स का दो डिजिट का सम करूंगा ना, पहले दो नंबर का तो तीसरा नंबर मिलेगा, फिर दूसरे तीसरे का करूंगा तो चौथा मिलेगा, तीसरे और दूसरे का करूंगा चौथा, चौथे और तीसरे का करूंगा तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, क्लियर हो गया इज इट क्लियर और नॉट बताइए जी जल्दी से, इस सेशन को कर देंगे एंड और सो जाएंगे जाके अब खाना पीना करके, ठीक है बताइए, ठीक है ना, फैबोनिकी एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये सीरीज बना रखी है, उन्हीं के नाम पे है ये फैबोनिकी सीरीज, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बचपन में आप बहुत से फॉर्मूले पढ़ते थे ना, मैथमेटिक्स में बहुत से आप क्या करते थे, फॉर्मूले पढ़ते थे, लेकिन अब फॉर्मूले का जमाना चला गया, फॉर्मूले याद तो रखने हैं लेकिन अब हम ट्रिक से करेंगे, लॉजिक तो हमको पता ही है, अगर आपने पढ़ रखा अच्छे से तो लॉजिक तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड से एग्जाम में करेंगे, जिससे क्या करें, जिससे हम अपने एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चन बना लें, और जहां पे हमें टाइम देना एक्चुअल में वहां हम दे दें, अब तो क्लियर है जीआरएफ, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं, ठीक है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, चलिए अब देर नहीं करते हैं, इसी के साथ सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, तो सेशन को एंड कर लेते हैं यहाँ पे इसके साथ, चलिए ठीक है, चलिए गुड बाय एंड गुड नाइट एंड हैप्पी लर्निंग, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक्स लगाते रहिए और सेशन को डेली देखते रहिए, जो भी हमारी मैपिंग सीरीज चल रही है ये आपके ही बेनिफिट के लिए, ठीक है ना, चलिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट, अ गुड नाइट।